जयपुर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 103 हो चुकी है। इसमें अधिकतर मामले रामगंज क्षेत्र से हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने चारदीवारी क्षेत्र में महाकर्फ्यू लगा दिया है। वहीं चारदीवारी क्षेत्र में स्क्रीनिंग और जाँच सुविधा तेज कर दी गई है। इसके लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं जहाँ लोगों की जाँच सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी के साथ जिला कलेक्टर जोगाराम ने कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले और कोरोना पीड़ितों के संपर्क में होने के बावजूद स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही एकांतवास में रखे गए लोगों को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने जयपुर जिले में IAS अजिताभ शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव के बारे में जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश दिए। चार दीवारी क्षेत्र का और कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे लार्ज स्केल पे एग्रेसिवली स्क्रीनिंग कराई जा रही है। तो आज यहाँ कुछ जो रामगंज क्षेत्र है और अन्य जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे सैंपलिंग की कार्यवाही भी की जा रही है, रैंडम बेसिस पे सैंपलिंग भी ली जा रही है ताकि पता चल सके, और जो कॉन्टैक्ट में आए हुए लोग हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में भेज करके उन्हें